भोजपुर जिले में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मामला बड़हरा थाना क्षेत्र के फरना गांव का है, जहां एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक थाना क्षेत्र के फरना गांव निवासी दिलीप तुरहा था। मृतक फरना गांव निवासी झवर तुरहा का 40 वर्षीय पुत्र था। सोमवार को करीब 1 बजे अपने घर में पंखे में रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। कुछ समय के बाद बगल के एक लड़के ने किसी काम से जब मृतक के घर गया तो देखा कि दिलीप पंखे में रस्सी बांधकर फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। उक्त लड़के ने घटना की सूचना गांव के लोगों को और मृतक के भाई इंद्रजीत को फोन पर दिया। सूचना मिलने की कुछ ही देर बाद गांव के लोग मृतक के घर पहुंच शव को पंखे से उतार कर जमीन पर सुला दिया और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दिलीप की मौत के बाद पत्नी और बच्चे बेसहारा हो गए। मृतक की 4 लड़की और 1 लड़का और पत्नी दुर्गावती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के बड़े भाई इंद्रजीत ने बताया कि दिलीप के साथ घर में किसी के साथ कोई विवाद नहीं था, थोड़ा मंदबुद्धि का था। मैं सोमवार को मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, तभी गांव के एक लड़के ने मुझे फ़ोन कर बताया कि आपका भाई घर में फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मैं तुरंत घर आया तो देखा कि घर के आंगन में शव पड़ा है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुँच चुकी है और पुलिस ने शव को हम लोगों के साथ पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले में पुलिस सूत्रों की माने तो फरना गांव के रहने वाले दिलीप कुमार ने अपने घर में पंखे में रस्सी बांधकर फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मृतक ससुराल गया था, उसकी पत्नी पुत्र और पुत्री सभी ससुराल में ही हैं। मृतक ससुराल से आने के बाद आत्महत्या किया है, घटना की जाँच की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। अब ये तो हम सर नहीं जानते, क्योंकि हम तो खुद आरा काम करने आए थे। हमको फोन आया, हम गए। क्या सूचना मिली? सूचना घर आए, काम पर आ रहे थे ना, तो वहाँ से फोन आया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, हमारे भैया नहीं। हम अपन काम छोड़कर चले गए। कहाँ लटके थे? तो गए थे तो आसपास के लोग अपन निकाल कर रखे हुए। तो क्या सूचना मिली कि कैसे लटके थे? तो सूचना मिला कि एक लड़का कहा ना कि देखो ना तुरा घर में गए रहे, तो भैया ऐसा ऐसा रहन तो हम निकाल कर कैसन रह लगकर रहन तो उनका बिता पंखा से झगड़ा वगैरह भी रहे घर में ना? किसी से झगड़ा नहीं, पत्नी उतनी से ना, कोई से कोई टेंशन में रहे? अब कोई टेंशन, थोड़ा सा हल्का अपन दिमाग का का नंबर हो। अब ये तो हम सर नहीं जानते, क्योंकि हम तो खुद आ रहा काम करने आए थे। हमको फोन आया, हम गए। क्या सूचना मिली? सूचना घर आए, काम पर आ रहे थे ना, तो वहाँ से फोन आया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, हमारे भैया नहीं। हम अपन काम छोड़कर चले गए। कहाँ लटके थे? तो गए थे तो आसपास के लोग अपन निकाल कर रखे हुए। तो क्या सूचना मिली कि कैसे लटके थे? तो सूचना मिला कि एक लड़का कहा ना कि देखो ना तुरा घर में गए रहे, तो भैया ऐसा ऐसा रहन तो हम निकाल कर कैसन लगकर रहन तो उनका बिता पंखा से झगड़ा वगैरह भी रहे घर में ना? किसी से झगड़ा नहीं, पत्नी उतनी से ना, कोई से कोई टेंशन में रहे? अब कोई टेंशन, थोड़ा सा हल्का अपन दिमाग का नंबर हो।